पंजाब अपने दरिया दिली पहनावे और खान पान के लिए मशहूर है। पंजाब को सिखों की नगरी भी कहते हैं। वैसे तो सिख समुदाय के लोग हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन इनकी शुरुआत पंजाब में हुई थी। अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पंजाब एक बेहतर जगह है। चलिए आज हम आपको पंजाब में कुछ पर्यटन स्थल के बारे में बताते हैं। अमृतसर में बाबा हरमिंदर साहब के नाम से विख्यात स्वर्ण मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में हर रोज पर्यटक हजारों की तादाद में माथा टेकने पहुँचते हैं। सिख धर्म के लोगों के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है। सोने से सजे स्वर्ण मंदिर की खूबसूरती देखने को और बाबा साहब के माथा टेकने आए लोगों को रहने और खाने पीने की व्यवस्था मंदिर के लोग करते हैं। इसके अलावा आप यहां घूमने के लिए जलियावाला बाग, वाघा बॉर्डर पर्यटन के लिए अच्छी जगह है। अमृतसर शॉपिंग के लिए भी अच्छी जगह है। यहां के होल बाजार में पारंपरिक कपड़े मिलते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को बेहद ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। यह घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। जैसे अवकाश घाटी, रोज गार्डन, फन सिटी और रॉक गार्डन ऐसी जगह हैं जहां आप चंडीगढ़ की यात्रा के दौरान जरूर घूमें। यह जगह बेहद ही लोकप्रिय हैं। पंजाब को भारत की शान कहते हैं। यहाँ की खेतों की हरियाली लोगों को लुभाती है। शायद आपको पता नहीं होगा, पंजाब अपने पुराने महल के लिए भी मशहूर है। यहाँ के टेढ़े मेढ़े महल और भव्य मंदिर यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो वही पंजाब का पटियाला शहर घूमने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। यह पंजाब का एकमात्र हिल स्टेशन है। अमृतसर से 28 किमी की दूरी पर वाघा बॉर्डर को लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग होते हुए देखने आते हैं। बॉर्डर पर लहराते ध्वज को देखकर लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है। इसके अलावा वहां पर सैनिक परेड भी करते हैं, जो भारतीयों के लिए बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। बाकी आपको इसमें घूमने की सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।